नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों का यह मानना है कि यह चुनाव दिसंबर से पहले खत्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नगर पालिका का चुनाव का पेच जनवरी में फंस जाए। बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा नगर पालिका के चुनाव में भाग लेने वाले नए मतदाता की सूची जारी की जा सकती है, लेकिन यह सूची अगले वर्ष यानी कि 2023 में ही चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाएगी। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पर दबदबा होगा कि वह नगर निकाय चुनाव 2023 में जारी की गई नई मतदाता सूची के अनुसार ही करवाए। वहीं इस बात को लेकर चुनाव के जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग अगले वर्ष 5 जनवरी 2023 में नए मतदाता की सूची जारी करेंगे। इसके साथ ही अगर सूची जारी करने में देरी होती है तो वैसे प्रत्याशी जो 20 वर्ष के हैं उनकी भी उम्र 21 वर्ष की हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर पालिका चुनाव में वही प्रत्याशी भाग ले सकते हैं जिनकी कम से कम उम्र 21 वर्ष है। अगर किसी प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष से कम होगी तो वो ये चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वहीं अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा सिर्फ अति पिछड़े जाति वाले लोगों के लिए नए सिरे से नामांकन की शुरुआत करता है तो ऐसे में इस चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बताते चले कि अति पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव आयोजित किया जाएगा। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि नगर निकाय चुनाव में भाग लेने वाले दावेदारों के नाम और तस्वीर बदल सकते हैं। बता दें कि सरकार के द्वारा गठित किया गया अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में एक बार फिर जान आ गई है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ 4 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा आयोग के नए सचिव की भी तैनाती की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से अति पिछड़े लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत आयोग को जल्द से जल्द इनकी सूची तैयार करके सरकार को सौंपनी होगी। सूची के मिलने के बाद ही सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा और नए सिरे से किस तरह से अति पिछड़ों का आरक्षण का फॉर्मूला तय करेगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद चुनाव की नई तिथियां घोषित की जाएगी। वहीं अब मिली जानकारी के अनुसार आयोग को अब जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। बता दें कि जानकारों का कहना है कि अति पिछड़ों की जगह वैसी जाति के लोगों को ज्यादा लाभ दिया जाना चाहिए जिनका संबंध राजनीति से काफी दूर रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।